दक्षिण कोरिया के समाचार जगत ने उस घटना पर गुस्सा और नाराजगी जताई है जिसमें चीन के सुरक्षा कर्मियों ने बीजिंग में राष्ट्रपति मून जे इन की यात्रा को कवर कर रहे दक्षिण कोरियाई फोटो पत्रकार को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विपक्षी दलों और इंटरनेट उपभोक्ताओं ने कहा कि ये घटना छोटे पड़ोसियों के प्रति एशिया के बड़े देश के रवैये को दिखाती है। मुख्य विपक्षी लिबर्टी कोरिया पार्टी ने मून से अपनी 4 दिवसीय यात्रा खत्म करने और तुरंत स्वदेश लौटने का अनुरोध किया। उसने कहा कि ये हिंसा समस्त दक्षिण कोरिया के खिलाफ आतंकवादी हमला है। आपको बता दें कि चीन की सुरक्षा कर्मियों ने दक्षिण कोरिया के फोटोग्राफर्स को मून के प्रतिनिधि मंडल का पीछा करने से रोका। इसके बाद फोटोग्राफर को जमीन पर धक्का दिया गया और मारा गया। इससे उसकी मुंह की हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया है और आंख की नसें क्षतिग्रस्त हो गई। अंग्रेजी भाषी कोरिया टाइम्स ने इसे चीनी सुरक्षा कर्मियों द्वारा बल का भयावह इस्तेमाल बताया। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इसका विरोध किया। नॉर्थ कोरिया से खट्टे रिश्तों के कारण चीन और दक्षिण कोरिया के रिश्ते ठीक नहीं हैं। एक ओर दक्षिण कोरिया के संबंध नॉर्थ कोरिया से खराब हैं, तो चीन उसका अच्छा दोस्त है। टीम इंडिलिंक्स।